हेलो पिलाने आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आज आम सप्तम श्रेणी शिक्षण अभिवृद्धि कार्यक्रम अष्टम अध्याय मान कार्यपद आठ टी कौन करवा आम आज कार्यपद आठ अष्टम अध्याय कौन व्यावहारिक गणितर पार्ट टू टाक आज करवा पूर्व पार्ट वन आम कौन करते एक रु दस नंबर पर्यटन करते बर्तमान आम एगार ठूँ करवा देख प्रश्न पढ़ा वार्षिक केते शतकड़ा सुध हार में कौन से मूलधन पांच वर्ष दुई गुणित होगा मानते ये मूलधन मूलधन भी देनी किसी भी देनी खाली आम समय देखिए पांच वर्ष जो दुई गुणित होगा दुई गुणित कौन हो मूलधन आमर इंटरेस्ट ए दुटा जाक मिसले कौन होमर समूल सुध हम तो मूलधन आमूल सुध मानते मूलधन आध मिस समूल सुध हम तो से समूल सुधटा कौन हो दुई गुणित हो तो आम लिखा मन कर मूलधन के पी बोली नहीं जावा है समूल सुध समूल सुध के हम आमर समूल सुध नहीं जावा के टू पी है आम कौन करवा आई आई मैंने कौन सुध आई मैंने कौन हूँ सुध सुधटा को आम बाहर करवा बोले कौन हो माइनस पी बुझला ना ए मैंने समूल सुध आउ ए मैंने कौन होमूल सुध समूल सुधर कौन हो मूलधन को माइनस करदेव यानी टू पी माइनस पी इक्वाल टू पी तो आमर सुध हेल्ले के पड़े आसला पी तो आम कौन करवा शतकड़ा सुधर हार आने शतकड़ा सुधर हार तो देख ये आम आई रे पलि आसला के टू पी रू माइनस पी गले पी आईला टी बोले के फाइव वर्ष पांच वर्ष देखिए आम शतकड़ा सुधर हार कर कौन हो आई इंटू शहे बै पी इंटू टी आई बोले सुध इंटू शहे बै मूलधन इंटू समय है पी इंटू शहे पी इंटू टी मैंने के फाइव तो पी को पी कटिगला आउ कत रहे बै पांच मैंने कोड़े परसेंट है बर्तमान आम बार नंबर देखा देख सात परसेंट रिहाती मूल्य गोटे सार्ट को सात शह चारिश पंचषठी टकर बिक्री होते ही सार्ट लिखित मूल्य के मन कर आम कौन लिखा मनकर लिखित मूल्य शहे टाँचा देख आम कौन ले जावा मनकर लिखित मूल्य हूँ शहे टाँचा रिहाती के रिहाती आम सात परसेंट देती सात परसेंट लिखीद सार्टर बिक्री मूल्य बिक्री मूल्य मैंने दोकानी बिकला आम हूँ किणला है तो सार्टर बिक्री मूल्य आम ये किण मूल्य पारा कत टा ना शहे आम कौन करवा ना लिखित मूल्य आम कौन कि आमको डिस्काउंट दिव बोल तो सात परसेंट डिस्काउंट मैंने शहे सात फेरान करदेव के तेरानबे टाँग यानी तेरह टाँचा बिक्री बेले लिखित मूल्य के शहे टाँग था तेरह टाँचा बिक्री बेले लिखित मूल्य शहे टाँचा एक तो तेरानबे टाँचा बिक्री बेले लिखित मूल्य होती शहे टाँचा एक टकर काढ़ा एक टाँचा बिक्री बेले लिखित मूल्य शहे बै तेरानबे तपर कत टाँचा देती चारशह पंसठ टाँग कही तो चारशह पंसठ टाँचा बिक्री बेले के लिखित मूल्य शहे बै तेरानबे ये जो जहाँ था इंटू चारश पंसठ करदे तेरानबे पंचा चारशह पंचष्टी कटाकटी करदे पांच दस शहे पंचशह टाँचा है बर्तमान आम तेरह नंबर देखा देख देख क नंबर दीजिए पोलटी निर्माण पर आसा श्रमिक शशी कही चलराशि दुई मध्य संपर्क सड़क चलन कि प्रतिलमी कौड़ा सड़क कौड़ा प्रतिलमी आम देखा पोलटी निर्माण पर आसा श्रमिक संख्या और कार्यटी संपूर्ण करार दिन संख्या श्रमिक सहित दिनटा आम कौन हो प्रतिलमी चलन हो कौन हम प्रतिलमी चलन तापर देख ख नंबर चॉकलेट रो संख्या सहित यार दाम कौन हम सड़ख चलन है यहाँ कौन हम ग नंबर गाड़ी बेग एक निर्दिष्ट दूरता को अतिक्रम कर समय गाड़ी बेग और निर्दिष्ट दूरत ये कौन होमर प्रतिलोमी कहीं के बढ़ के कम नहीं तेना प्रतिलोमी चलन बुझेगा तापर आम देखा चौदह नंबर देख देख ये से कौन कही सारणी में चल दुए मध्य क्यों प्रकार चलन संपर्क रही है देख ये पांच थी बेले ये आठ ये दस थी बेले ये चार पुणी ये दुई थी बेले कोड़े चालीस थी बेले एक मानते किसी सिक्वेन्स रोनी तार है सड़क चलन मैंने कौन एटा बढ़ी बढ़ी गला बेले ये बढ़ी बढ़ी ये कौन ये बढ़ला बेलू ये कमुच ये कमला बेलू सी बढ़ू एमती अच्छे मैंने यहाँ कौन हो कौड़ा होमर प्रतिलमी चलन तो यहाँ कौन करा फाइव इंटू एट यानी फोर्टी टेन इंटू फोर फोर्टी ट्वेंटी इंटू टू कैसे फोर्टी फोर्टी इंटू वन कौन हो फोर्टी तो यहाँ कौन हो प्रतिलोमी चलन है पंद्रह नंबर देखा आम देख ये कौन दे समय दिन में या फुलकुंड संख्या ये मानने समयटा हो दिन में पांच दिन तीन दिन छः दिन एमती या फुलकुंड संख्या मैंने पांच दिन में कोड़े तापर आउ के दिन में षोहटी हे पुणी तीन दिन में कतोटी छः दिन में कतोटी आम बाहर करवा तो ये आम कौन होता हूँ सड़क चलन हो सड़क चलन में कौन ना पांच बै कोड़े एमती बै होकर रखा पांच बै कोड़े एक ए बै सिक्सटीन मैंने आम कमी लिखा आम पांच बै कोड़े एक बै ए बै सिक्सटीन है एमती कले तो कौन हो बज्र गुणन हो दीटा को आम कौन करवा कटेद बुझला ना तो यहाँ कौन हो चार पंच चार चौक ये पांच कटिगला आउ के रहा चार चार को एक गुणदे चार तो ए रूल्य के आमर चार सेमती बी रूल्य कौन करवा पांच बै कोड़े तो तीन बै दुई लिखीद सरी थ्री बै बी लिखा पांच बै कोड़े इक्वाल टू थ्री बै बी है
एटा कौन करा दीटा कटाकटी करदे पांच एक पांच चौक पुणी तीन को चार गुणदे देख पांच एक पांच चौक एक बै चार होगा पुणी चार को पुणी तीन सहित गुणब चार तरीके के बार तो बीर मूल्य के बार तापर छः सी के देख पांच बै कोड़े इक्वाल टू छः बै सी एटा देख पांच एक पांच चौक तो छु चार पुणी गुणदेव छु चार गुणले के चबीश तो सी रू के आम चबीश यहाँ किए चलन सड़ख चलन है सड़क चलन नियम मानुच्छे तेणु यहाँ हूँ ये टाइप रुझला बुझीगलाना देख 16 नंबर गोटे कम को 19 जन श्रमिक 15 दिन में शेष करती आउ के जन श्रमिक निजुक्ति कले कमटी को 10 दिन में शेष कर बुझीगलाना देख देख एबे देखिबा आमे एटा कौन अच्छी ना देख ये श्रमिक संख्या बढ़ला बेले आम दिन संख्या कौन हो श्रमिक को दिन संख्या तापर ये केत श्रमिक निजुक्ति बोले आहरी अधिक निजुक्ति है 10 दिन मानते अधिक जन निजुक्ति हेले सी कौन दिन संख्या पुणी कमी जाए मानते ये कि नियम कि चलन हम प्रतिलोमी चलन तो लिखिदेव एक्स आउ वाई एक्सटा हूँ श्रमिक संख्या समय हूँ वाई वाई को आम कौन बोली ना समय बोली ना तो एक्स वाई तो एक्स मूल्य के 90 वाई रूल्य के 15 एक्स वन आई वाई वन बोली नहीं जा कहीं ना सेकेंडटा देती तो एक्स वन यहाँ हूँ एक्स वन यहाँ वाई वन तो यहाँ नहीं जाइंट एक्स वन वाई वन रूल्य के कहीं एक्स वन आमको देनी वाई वन के 10 तापर कौन कर प्रतिलोमी चलन अनुसार एक्स इंटू वाई यहाँ हूँ एक्स यहाँ वाई कि नहीं तो एक्स वाई इक्वाल टू एक्स वन इंटू वाई वन तो आमको एक्स वन वैल्यू बाहर कर तो एक्स इंटू वाई बै वाई वन तो 90 इंटू 15 बै 10 तो कटाकटी कले कैसे शून शून कटाला 15 नुआ 135 जदि आम 135 जन अधिक श्रमिक निजुक्ति देवा तो 10 दिन में से कमटे शेष होगा बर्तमान आम 17 नंबर देखा देख ये आम टोटाल हूँ 135 जन तापर कौन करा 135 जन है सी आहरी आगुरी थी 90 ना तो 135 कौन करें 90 को फेराण करदे तो कैसे होम 45 45 कौन जदि 45 अधिक श्रमिक निजुक्ति हे कहीं 90 थी पुणी आहरी 45 जन आसवे तो 135 जन टोटाल हेले तो जैक कमटा शेष हम है तो 45 जन अधिक श्रमिक आसिकी निजुक्ति दे 10 दिन में कमटे शेष होगा तापर देख 17 नंबर दीजिए शुण तो आम कौन लिखा रमा गोटे कम को शेष कैसे दिन में 4 दिन में तो से गोटे कम को शेष कर 4 दिन में तो गोटे दिन में कैसे कम कर 1/4 हो जाला 1/4 अंश कम कर तुलसी से ही कम को शेष कर 8 दिन में तो सी एक दिन में कैसे कर 1/8 अंश है जदि उभय से ही कम को गोटे दिन में कर तो अंश करेंगे तो 1/4 उभय दे मैंने तो तुम जानते मिशन कर 1/4 मिशन 1/8 के लस काड़ी मिशन कर 3/8 अंश ये जो 3/8 अंश एक दिन में करती कौन एक दिन में 3/8 अंश है जदि आम आने एक अंश करवा एक अंश मानते संपूर्ण मानते पूरा कमटा पूरा से जो घर डाक मन ने कम कि आम जो कमटा को भी ने संपूर्ण करने को समय के लगे एक आउ एक को आम क्या सहित भाग करवा 3/8 सहित भाग करवा तेल के हम एक गुणन कौन होटा कौन हो उल्टा जीव 8/3 तो कैसे हो 8/3 को आम कौन करवा मिश्र भग्नांश में परिणत करदे 2 × 2/3 दिन तक घंटे परिणत करा 2 × 2 दिन लिखिदे 2/3 आम जानते 24 घंटा हूँ 24 घंटा जब तीन पार्ट ना तो एक पार्टा केव 8 घंटा 2 पार्टा हम 16 घंटा यानी 2 दिन 16 घंटा तक समय लगे है से 2 दिन 16 घंटे कमटी को पूरा संपूर्ण भाव में शेष करेंगे है 18 नंबर देख देख तीनो भिन्न भिन्न पानी पाइप एक पानी टांकी को यथाक्रमे 8 घंटा 4 घंटा और 8 घंटे पूर्ण करती एकाठी पानी पाइप तीनो खोली देते पानी टांकी के समय पूर्ण हम है तो प्रथम आम कौन लिखा प्रथम पाइप टी समय निए टांकीटा को पूर्ण करने 8 घंटा लिखिदेना देख आमर तो लिखा आम प्रथम पाइप समय निए टांकी पूर्ण करने 8 घंटा समय तेल 1 घंटे से पानी कैसे भर्ती कर गोटे टांकी 1/8 अंश होपर देखिए द्वितीय पाइप समय नौ 4 घंटा 1 घंटे पानी भरी कर 1/4 है तृतीय पाइप कैसे समय नौ 8 घंटा 1 घंटे पा भरी कर 1/8 तापर से कौन कहे एकाठी पानी पाइप तीनो खोली देवा बोले तीन टा जाक को खोली देले से कैसे अंश पूर्ण हम 1 घंटे तीन टा जाक जदि पाइप आम खोलिबा तहले 1 घंटे पानी कैसे हम तो जदि आम एकत्र पानी पाइप तीनो खोली देवा 1 घंटे पानी कैसे अंश पूर्ण हम 1/8 मिशन 1/4 मिशन 1/8 तीन टा जाक मिसले कैसे होम 4/8 बा 1/2 अंश आम पा भर्ती हम से देखा पानी टांकी को भर्ती करने आमको कैसे समय लगे तो कौन करवा 1/2 अंशा हूँ 1 घंटे तो पूर्ण अंश मैंने 1 अंश 1/2 तो कैसे हो 1 × 2 यानी 2 घंटा समय लगे 1 घंटे 1/2 अंश तो पूर्णटा 1/2 पूर्णटा के 1 अंशा के 2 गुण लार हमें 2 गुण होते हो 2 घंटे पूरा पाइप टी पूरा पानी टांकी कौन हो भर्ती हो
देख निम्नोक्ति गुड़िक ठीक टी आ भूल ए लिखा जदि अतिक्रम कर दूरता ए अतिक्रम अतिक्रांत समय जब बी ने बेग कौन हम सी तेल बेगर फर्मुला कौन आम दूरता बै समय दूरता बोले ए बी एट कौन हो लिखा आम बेगर एकक मीटर प्रति सेकेंड हम जदि अतिक्रांत दूरता मीटर एकक समय जब सेकेंड तो ठीक अच्छे ना कहीं बेग बोले कौन आम दूरता बै समय जदि एक कार 120 किलोमीटर रास्ता को 3 घंटे अतिक्रम कैसे बेग कौन हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा हम कि ना कहीं 120 को आम 3 हरण करवा के 40 तेनालीराम कौन हो टी होती बेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा हुए आ समय जदि 1/2 घंटा हुए तेज अतिक्रांत दूरता के बेग देदेला आमको ये दूरता पचार दूरतार फर्मूला कौन दूरता कौन होमर बेग इंटु कौन हो समय हो तो बेग इंटू सब 5/2 यहाँ भूल अच्छी तेनाली एफ लिखिदेपर देख वो नंबर जब अतिक्रांत दूरता 50 अतिक्रम समय जब 30 मिनिट हुए तेज बेग 5/3 तो दूरता बै समय 50/30 कल के 5/3 तेनालीराम ठीक जदि देख शून्य स्थान पूरण करवा 20 नंबर देखा जदि दूरता स्थिर थाए तेज बेग समय मध्य कि चलन थोर प्रतिलोमी चलन है तापर एक बत्ती खुंटा को ट्रेन टी 10 सेकेंड अतिक्रम कला जब ट्रेन रिख 200 बेग के 200/10 बोले के 20 मीटर प्रति सेकेंड जदि तुम चलिपार बेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा हुए तुम विद्यालय को आसपाक 10 मिनट समय लगे तेज विद्यालय ठार घर दूरता कितने 1.5 मीटर बोली आपको कौन करवा आम कौन करवा तो आपको कौन करदे आम 6 किलोमीटर टाक मीटर प्रकाश करवा 6000 मीटर हम कि नहीं 10 मिनिट बोले सेकेंड करवा ना कहीं ये देख मीटर दे मैंने सेकेंड करवा 10 मिनिटा सेकेंड 600 सेकेंड सॉरी 10 मिनिट बोली नहीं कि तो देख यहाँ कौन होम 6 किलोमीटर ये आम दूरता पचार दूरता बोले कौन बेग इंटु समय बेग के 6 किलोमीटर मैंने 6000 मीटर इंटु 10 मिनिटा मिनिटा को आम कौन करवा घंटे परिणत करवा तो कौन हो सरी हाँ 10/60 तो यहाँ को यहाँ कटिगला आ के 6 को 6 कटिगला आते रहा 1000 तो यहाँ हो 1000 मीटर बोले 1000 मीटर है तापर देख ख नंबर तुम्हारा और तुम सांगर साइकिल चलाइबार बेग यथाक्रमे 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 मीटर प्रति सेकेंड तेज तहार तेज डेस्क्र बेगटे अधिक ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 मीटर प्रति सेकेंड तेल कार आम बेगटे अधिक हम मो सांगर बेगटी अधिक है तो बर्तमान आम वम बीट देखा तो देख राम और श्याम एक स्थान दौड़ा आरंभ कले जदि राम दौड़ बेग श्याम दौड़ बेग ठार अधिक तेज 15 मिनिट समय पर राम और श्याम मध्य डेस् आगे थी कि आगे रोज आम राम आगे रहीपर देखिए आम 21 नंबर हो देख तो आम कौन कर प्रथम लिखा ट्रेन रेग के आम 36 किलोमीटर प्रति घंटा ताको आम कौन करवा मीटर प्रति सेकेंड में परिणत करवा तो देख ये ट्रेन रेग के 36 किलोमीटर प्रति घंटा ताको कौन करवा आम मीटर प्रति सेकेंड में करा आम कौन करा 5/8 गुणन करा पड़ो देख किलोमीटर प्रति घंटा मैंने ये कौन किलोमीटर मैंने 1000 मीटर आम यदि करवा पूरा तो 1000/36 तो कटाकटी कले 5/18 आसो तो ये देखिए वरी हेनी है यहाँ हूँ 1000/36 तो कटाकटी कले 5/18 तो 36 × 5/18 है 8 को 36 कटेगा 2 × 5 = 10 मीटर प्रति सेकेंड तापर समय के 45 सेकेंड तापर पोलर लंब के 200 मीटर है तापर आम दूरतार दूरता मैंने कौन बेग इंटु समय बेग हूँ 10 × समय हूँ 45 दीटा जो गुणन कले के आसपा 450 मीटर तापर दूरता मैंने कौन टोटाल हूँ ट्रेन रंब आउ पोल रंब दूरताटा कौन हम ट्रेन रंब आ पोल रंब मिसले हम दूरता तो दूरता हूँ 450 मीटर आउ ट्रेन रंब हूँ कैसे 450 कौन कर ट्रेन रंब आने 450 200 को मैनेज करदे ट्रेन रंब पड़े आसो 250 मीटर है तापर देख 22 नंबर राजू आकाश और हरर चलार बेग यथाक्रमे 15 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा होते से 360 किलोमीटर रास्ता अतिक्रम करने को क्या समय लगे है तो लेख लिखा आम 15 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने 1 घंटे 15 किलोमीटर है तो लिखा राजू 15 किलोमीटर अतिक्रम कै देख तो कौन लिखा राजू 15 किलोमीटर अतिक्रम कर 1 घंटे तेल 1 किलोमीटर अतिक्रम कर कहीं 15 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने 15 किलोमीटर 1 घंटे कर 1 किलोमीटर अतिक्रम कर 1/15 घंटा तापर के तार मोट किलोमीटर के 360 तो 360 किलोमीटर अतिक्रम कर 1/15 गुणन 360 तो कटाकटी कल के आसपा 24 घंटा तो राजू 24 घंटे अतिक्रम करमती आकाश 12 किलोमीटर अतिक्रम कर 1 घंटे 1 किलोमीटर अतिक्रम कर 1/12 घंटे 360 किलोमीटर अतिक्रम कर 1/12 गुणन 360 समान 30 घंटा है
ହେଲା। ସେହିପରି ହର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅଠର କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଏକ ଘଣ୍ଟାରେ, ଏକ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏକ ବାଇ ଅଠର ଘଣ୍ଟାରେ। ସେମିତି ତିନିଶହ ଷାଠିଏ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ କ'ଣ ଏକ ବାଇ ଅଠର ଗୁଣନ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ, ତ କଟାକଟି କଲେ କେତେ ଆସିବ ଆମର କୋଡ଼ିଏ ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ତ ହର ହେଉଛି କୋଡ଼ିଏ ଘଣ୍ଟା, ଆକାଶ ତିରିଶ ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ରାଜ ହେଉଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା। ଦେଖ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏକ ଚେୟାରକୁ ଦଶ ପରସେଣ୍ଟ ଲାଭ ରଖି ଦୋକାନୀକୁ ବିକ୍ରି କଲା, ତେବେ ଉକ୍ତ ଦୋକାନୀ ଗ୍ରାହକକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାନବେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାରୁ ଯଦି କୋଡ଼ିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଚେୟାରକୁ କିଣିଥିଲେ, ମାନେ ଏଠି କିଣା ମୂଲ୍ୟ ପଚାରୁଛି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏକ ଚେୟାରକୁ ଦଶ ପରସେଣ୍ଟ ଲାଭ ରଖିଲା, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଏଠି ପୁଣି ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣ କଲା ଗ୍ରାହକକୁ ବିକିଲା, ବିକିଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ସେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାନବେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ କୋଡ଼ିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଲାଭ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଚେୟାରକୁ କିଣିଥିଲେ ଆମେ ଲେଖିବା, ମନେକର ଗ୍ରାହକର ଚେୟାରର କିଣା ଦାମ ହେଉଛି ଏକ୍ସ, ଗ୍ରାହକର ଚେୟାର ମାନେ ଗ୍ରାହକ ଯେଉଁ କିଣିଥିଲା ହେଲା ତାର କିଣା ଦାମ କେତେ ଏକ୍ସ, ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ, କାହିଁକି ନା ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହେଉଛି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବାଇ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ମାନେ କେତେ ଏକ ବାଇ ପାଞ୍ଚ, ତ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ କିଣା ପ୍ଲସ୍ ଲାଭ ହେଲା। ଏକ୍ସ ର ଏକ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସ ର ଏକ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ମାନେ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ନା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ବୋଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଛଅ, ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ବାଇ ଫାଇଭ, ତ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ବାଇ ଫାଇଭ ହେଉଛି ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ, ତ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ତ ଏଇଠି ଦେଇଛି ନା ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାନବେ, ତ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ବାଇ ଫାଇଭ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାନବେ, ତ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫାଇଭ ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାନବେ ଇଣ୍ଟୁ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଛଅ, ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ କଟାକଟି କଲେ କେତେ ହେବ ଆମର ଅନେଶ୍ୱତ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ହେଲା। ତ ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚାନବେଟା କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟବସାୟର ବିକ୍ରି ଦାମ ହେଲା, ବ୍ୟବସାୟର ବିକ୍ରି ଦାମ କେତେ ହେଲା ଆମର ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚାନବେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟର ବିକ୍ରି ଦାମଟା କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ବିକ୍ରି ଦାମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଲେଖିବା ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀର ଚେୟାର କିଣିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ଯେତେବେଳେ କିଣିଥିଲା କେତେଟା କିଣିଥିଲା ଏକ୍ସରେ, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଏକ୍ସରେ ହେଲା ବ୍ୟବସାୟର ଚେୟାର, ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟୀ ଚେୟାରକୁ କିଣିଥିଲା କେତେରେ ଏକ୍ସରେ, ପୁଣି ତାର ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କେତେ ଟେନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ବୋଲେ ଟେନ୍ ବାଇ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ବା ଏକ ବାଇ ଦଶ, ଏକ ବାଇ ଦଶର ଏକ୍ସ ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ ବାଇ ଦଶ ମାନେ ଏକ୍ସ ବାଇ ଦଶ ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ କିଣା ପ୍ଲସ୍ ଲାଭ, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟେନ୍ ବୋଲି କେତେ ହେଇଯିବ ଇଲେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟେନ୍, ତ ଇଲେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଏ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ଦାମଟା, ଏ ବିକ୍ରି ଦାମଟା ସିଏ କିଣିଥିଲା କି ନାହିଁ ଗ୍ରାହକ କିଣିଥିଲା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବ୍ୟବସାୟୀର ବିକ୍ରି ଦାମ ହେବ, ତ ଇଲେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଫୋର୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ନାଇଣ୍ଟି ଫାଇଭ କେତେ ହେଇଯିବ, କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ଫୋର୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼, ଦେଖ ଦେଖ ତ କ'ଣ ହେଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ଚେୟାରକୁ କିଣିଥିଲା କେତେରେ ଏକ୍ସରେ, ପୁଣି ତାର ଟେନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଟେନ୍ ବାଇ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ବା ଏକ ବାଇ ଦଶ, ତାପରେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟେନ୍ ବୋଲେ ଇଲେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟେନ୍, ତ ଇଲେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟେନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚାନବେ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଇଲେଭେନ୍ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ଇଣ୍ଟୁ ଦଶ ବା ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ଇଣ୍ଟୁ ଦଶ ବାଇ ଏଗାର, ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ କଟାକଟି କଲେ ପଇଁଚାଳିଶ ଗୁଣ ଦଶ ବା ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା, ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚେୟାରକୁ କିଣିଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା, ବୁଝିଗଲା ନା ପୁରା 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 ସଲ୍ୟୁସନଟା ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ ଲେଖ ତ ଆମର ଚେୟାରର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଚେୟାରକୁ କିଣିଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଚାରିଶହ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କିଣିଥିଲା ସେ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିଥିଲା। ଏହିପରି ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।